नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। चुनाव नामांकन प्रक्रिया के दौरान पत्रकारों के लिए कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं थी और पत्रकार रोड पर इधर उधर घूमकर प्रत्याशी का इंतजार कर रहे थे। इन्हीं समस्याओं को लेकर अंबेडकर नगर प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी जब कलेक्ट्रेट पहुंचकर वार्ता करना चाहे तो अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने कलेक्ट्रेट गेट पर प्रेस क्लब अध्यक्ष से बदतमीजी की गई, जिससे वहां मौजूद पत्रकार आक्रोशित हो गए और वहीं धरने पर बैठ गए। तत्काल जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार दुबे ने पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया तथा धरना समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। तब पत्रकारों ने धरना समाप्त किया। विगत 4 फरवरी से जिले में नामांकन हो रहा है। मैं किन्हीं परिस्थितियों में बाहर था, आज जब आया तो यहाँ की अव्यवस्था पत्रकारों के साथ जो है उसे मैंने देखा। और जब पत्रकार भाइयों के साथ हमने व्यवस्था के लिए पहले तो एडीएम साहब को फ़ोन मिलाया, नॉट रिचेबल। डीएम साहब को भी फ़ोन मिलाने का प्रयास किया, नॉट रिचेबल। जब यहाँ बैठने की बात की तो यहाँ के अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने जिस शब्द का प्रयोग किया वह पत्रकारों के पत्रकार या उसके प्रतिनिधि के साथ इस तरह के शब्द का प्रयोग बिल्कुल अशोभनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। हालांकि हमारे जिला सूचना अधिकारी महोदय ने पत्रकारों की सारी समस्याओं के निदान की बात की, उसके बाद भी अगर आप सारे लोग इस व्यवस्था से जो जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी जा रही है सहमत हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं तब तक बैठने के लिए तैयार हूं जब तक आपकी सारी समस्याओं का निदान न हो जाए। और आश्वासन दे दे उसके बाद हम एक चीज और कहता हूं, अपर पुलिस अधीक्षक जिस पद पर हैं उन्हें ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया करना चाहिए। उन्होंने जो किया वो गलत है। चुनाव के समय हम अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते हैं, इसलिए और ज्यादा इस मुद्दे पर मैं नहीं कह सकता।